हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल इंग्लिश क्वेस्ट माई नेम में सुषमा और आज मैं आपके लिए लाई हूँ फिफ्टी प्लस डेली यू सेंटेंसेस जो आपकी रियल लाइफ सिचुएशंस में से ही ऑप्ट किए गए हैं सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट विद द सेंटेंसेस पहली बार तुमने कोई सही बात कही इसे आप बोल सकते हैं अट्रैक्टिव वे है में यू आर मेकिंग सेंस फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर मेकिंग सेंस फॉर द फर्स्ट टाइम नेक्स्ट इज कहाँ भागे जा रहे हो इतनी जल्दी में वेयर आर यू रनिंग ऑफ टू इन सच अस्ट वेयर आर यू रनिंग ऑफ टू इन सच अस्ट नेक्स्ट इज जूतों की दुकान बंद है तो एक दिन के लिए इन्हीं जूतों से काम चला लो द शू शॉप इज़ क्लोज सो मेक टू विद द शूज़ फॉर वन डे द शू शॉप इज़ क्लोज सो मेक टू विद द शूज फॉर वन डे क्या बात कर रहे हो हम अक्सर बोलते हैं वट आर यू टॉक इन अबाउट वट आर यू टॉकिंग अबाउट ये शॉक का एक्सप्रेशन है यहाँ इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हो रही है वाई इज सो मच क्राउड गैदरिंग हीय वाई इज सो मच क्राउड गैदरिंग हीय तुमने ही तो उसे झूठ बोलना सिखाया है यू आर द वन हु टॉट हिम टू लाई यू आर द वन हु टॉट हिम टू लाई नेक्स्ट इज किसी रोहन नाम के लड़के का फोन आया था तुम्हारे लिए जब तुम डांस क्लास में थे अ बॉय नेम रोहन कॉल फॉर यू वेन यू वर इन द डांस क्लास अ बॉय नेम रोहन कॉल फॉर यू वेन यू वर इन द डांस क्लास ये एक्सप्रेशन हमारे बहुत काम आता है जब हमें किसी और को कन्वे करना हो मैसेज राइट तुमने टेस्ट पास कर लिया इसी बात पे पार्टी हो जाए यू पास योर टेस्ट दिस कॉल्स फ़ॉर अ पार्टी यू पास योर टेस्ट दिस कॉल्स फ़ॉर अ पार्टी तुमने मेरी सारे प्रयासों को मिट्टी में मिला दिया यू हैव पुट ऑल माई एफर्ट्स इन टू डस्ट यू हैव पुट ऑल माई एफर्ट्स इन टू डस्ट अब कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है देर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन एनी थिंग नाव देर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन एनी थिंग नाउ टीचर ने मुझे जो मैंने गलती की उसके लिए छुट्टी के बाद स्कूल में रोक लिया छुट्टी के बाद भी स्कूल में रोक के रखना देट इज़ कॉल्ड डिटेंशन द टीचर गेव मी डिटेंशन फॉर द मिस चिफ आई मेड द टीचर गेव मी डिटेंशन फॉर द मिस चिफ आई मेड ये तुम किस तरह की भाषा बोल रहे हो बच्चे अगर कुछ गलत बोलते हैं तो आप बोल सकते हो व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज आई यू स्पीकिंग व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज आई यू स्पीकिंग नेक्स्ट इज उन सामान को पहले ख़त्म करो जिनकी एक्सपायरी डेट करीब आ रही है यूज़ द आइटम्स फर्स्ट विच आर नियरिंग देयर एक्सपायरी डेट यूज़ द आइटम्स फर्स्ट विच आर नियरिंग देयर एक्सपायरी डेट मैं अभी लाता हूँ आई विल ब्रिंग इट फ्राइड अवे आई विल ब्रिंग इट राइट अवे और आई विल ब्रिंग इट इन अ जिफी देर से ही सही लेकिन उसने अपनी हरकतें सुधार ली इट्स ओके इवन इफ इट्स लेट बट ही मैंडट हिज वेज

तुमने फॉर्म में अपना एड्रेस छोड़ दिया मतलब भरना भूल गए यू हैव मिस्ड आउट योर एड्रेस ऑन द फॉर्म यू हैव मिस्ड आउट योर एड्रेस ऑन द फ़ॉर्म तुमने बहुत बड़ा मौका गवा दिया यू मिस्ड आउट ऑन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी यू मिस्ड आउट ऑन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट इज़ कितने घटिया ड्राइवर हो तुम वट अ टेरिबल ड्राइवर यू आर वट अ टेरिबल ड्राइवर यू आर मेरा दोस्त एक जाना माना या फिर मशहूर डॉक्टर है माई फ्रेंड इज़ अ वेल नोन और रनाउंड डॉक्टर माई फ्रेंड इज़ अ वेल नोन और रिनाउंड डॉक्टर उसे इस काम के लिए तैयार करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है गेटिंग हिम रेडी फॉर दिस वर्क वॉज़ अ नोटेबल अचीवमेंट गेटिंग हिम रेडी फॉर दिस वर्क वॉज अ नोटेबल अचीवमेंट मैं उसे आखिरी बार देखना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू सी हिम फॉर द लास्ट टाइम आई वॉन्ट टू सी हिम फॉर द लास्ट टाइम तुम्हारे चक्कर में मुझे माँ से कितना झूठ बोलना पड़ा आई हैव टू lie सो मच टू मॉम बिकॉज ऑफ यू आई हैव टू lie सो मच टू मॉम बिकॉज ऑफ यू जो सब सहमत है अपना हाथ ऊपर उठाएं ऑल दोज please प्लीज़ होल्ड अप दे हैंड ऑल दोज agree, प्लीज़ होल्ड अप दे हैंड अभी तक जो कहा गया है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ इसे आप बोल सकते हैं आई कम्प्लीटली कंकर विद everything।

आई हैव कम टू नो about अबाउट यू Next is तुम्हारी शर्ट के बटन ऊपर नीचे हो रखे हैं मतलब बंद हो रखे हैं बच्चे अक्सर क्या करते हैं बटन को ऊपर नीचे बंद कर लेते हैं तो आप उन्हें बोल सकते हैं योर शर्ट बटन आर मिस मैश्ड योर शर्ट बटन आर मिस मैच्ड आप हमेशा अपने वादों से मुकर जाते हो यू ऑलवेज़ गो बैक ऑन योर प्रामिसज यू ऑलवेज़ गो बैक ऑन योर प्रामिसज मैं वहाँ लेट पहुँचा और सारे मजे से वंचित रह गया I got there late and missed out on all the fun. I got there late and missed out on all the fun. पिछली बार सूजन कम होने में लगभग चार दिन लगे It took almost फोर days last time for the swelling to subside. It took almost फोर days last time for the swelling to subside. बच्चे अक्सर अपनी शर्ट के बटन ऊपर नीचे करके पहनते हैं Kids often wear their shirts with buttons mismatched. Kids often wear their shirts with buttons mismatched. Next is उसने पूरी क्लास में उधम मचाया ही रेड्ड हैव वर्क इन द होल क्लास ही रेड हैव वर्क इन द होल क्लास नेक्स्ट इज इससे पहले कि माँ घर आए हमें घर साफ़ कर लेना चाहिए वी हैड बेटर क्लीन द हाउस बिफोर द मोम कम्स होम वी हैड बेटर क्लीन द हाउस बिफोर मॉम कम्स होम तुम्हारी साड़ी फर्श पे घसीट रही है अक्सर होता है योर साड़ी इज ड्रैगिंग ऑन द फ्लोर योर सारी इज़ ड्रैगिंग ऑन द फ्लोर या फिर कपड़ों के लिए बोल सकते हैं आपका पर्स पॉकेट में से लटक रहा है योर वॉलेट इज़ डैंगलिंग फ्रॉम योर पॉकेट योर वॉलेट इज़ डैंगलिंग फ्रॉम योर पॉकेट मैंने नहीं सोचा था कि तो तुम इतना नीचे गिर जाओगे आई haven't thought थाट दैट यू वुड स्टूप सो लो आई thought that थाट दैट यू वुड स्टूप सो लो अपनी छोटी बहन के साथ बुरी तरह मत खेलना डोंट प्ले विद योर little सिस्टर रफली डोंट प्ले with your लिटिल सिस्टर रफली इतनी महंगी कार ख़रीदना उसकी औकात से बाहर है Purchasing सच एन एक्सपेंसिव कार इज़ वे आउट ऑफ her लीग Purchasing सच एन एक्सपेंसिव कार इज़ वे आउट ऑफ her लीग ट्रैफिक बहुत था यही कारण है कि वह देर से आया द ट्रैफिक वॉज हैवी दैट एक्सप्लेन्स वाई ही वॉज लेट द ट्रैफिक वॉज हैवी दैट एक्सप्लेन्स वाई ही वॉज लेट नेक्स्ट इज तुम कितने बजे ऑफिस जाते हो At what time do you go to office? At what time do you go to office? Next is Many console se Pete Dala gussa Gusaho. It's not like I beat him, so why are you angry with me? It's not like I beat him, so why are you angry with me? Next is Mosam Karapta hai ki Uran me der hui. The weather was bad. That explains why the flight was delayed. द वेदर वॉज बैड दैट एक्सप्लेन्स वाई द फ्लाइट वॉज डी लेट अब क्या है वट इज इट नाव व्हाट इज इट नाव ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो व्हाट है दैट यू आर नॉट टॉकिंग टू मी व्हाट हैपन दैट यू आर नॉट टॉकिंग टू मी नेक्स्ट इज क्या तुम थोड़ी देर बच्चे को देख लोगे कुड यू वॉच द बेबी फोर अ लिटल वाइल कुड यू वॉच द बेबी फॉर अ लिटल वाइल जूते या ड्रेस यहाँ नहीं रखी जाती बच्चे अक्सर क्या करते हैं जूते ला के इधर उधर फेंक देते तो आप बोल सकते हो दैट्स नॉट वेयर द शूज़ गो और दैट्स नॉट वेयर द यूनिफॉर्म गोज अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो ऐसे ई एस ये 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 नहीं लगेगा वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ ऐसे एस ये 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 लगेगा वर्ब में ओके सो दैट्स नॉट वेयर द शूज गो अब उसे रेस जीतने से कुछ नहीं रोक सकता है ना नथिंग कैन स्टॉप हिम फ्रॉम विनिंग द रेस नाउ नथिंग कैन स्टॉप हिम फ्रॉम विनिंग द रेस और यहाँ पे अगर पर्सन की बात हो तो नो no वन बोलेंगे ओके नेक्स्ट इज़ तुम्हारे मुंह के कोने पे कुछ लगा है मतलब खाना खा टाइम लग जाता है तो आप बोल सकते हो यू हैव गॉट समथिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ़ योर माउथ यू हैव गॉट समथिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ योर माउथ हमारी इस बारे में पहले बात हो गई है वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस नेक्स्ट इज़ मुझे चिप्स के बदले नमकीन दे दो शॉप पे जाके बोल सकते हैं गिव मी अ पैकेट ऑफ बिस्किट इन एक्सचेंज फॉर चिप्स गिव मी अ पैकेट ऑफ बिस्किट इन एक्सचेंज फॉर चिप्स मैं पक्का हूँ कि इन्हें ककड़ी बोला जाता है आई एम श्योर दे आर कॉल्ड आर्मेनियन क्यूकबर्स आई एम श्योर दे आर कॉल्ड आर्मेनियन क्यूकबर्स जब कोई आपसे आके बोलता नहीं नहीं इसको तो ये बोलते हैं तब तो आप बोल सकते हैं इसे आपने वहाँ जो कहा वह बहुत प्रेरणादायक था वट यू सैड बैक देअर वॉज़ वेरी इंस्पायरिंग वट यू सैड बैक देअर वॉज वेरी इंस्पायरिंग सो देट वॉज ऑल फोर टूडे आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट से ज़रूर बताइएगा और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट से बताइए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग अ गुड डे